हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक एंजल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की पूरी पूरी मार्केट जो है ये नीचे डाउनफॉल जाए जा रही है। क्यों जाए जा रही है, एक ही बिग क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है। काफी लोगों ने मेरे से पिछली लाइव स्ट्रीम में ये पूछा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ और मुझे हमें बताओ कि जो है बिटकॉइन और पूरी क्रिप्टो करेंसी जो है नीचे क्यों जा रही है, इसका रीजन क्या है और हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए ये भी बताइए। तो आज की ये पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप एक इन्वेस्टर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात कि इस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में से जो है $600 बिलियन जो है निकाल लिए गए हैं। इसी वजह से सबसे पहला जो कदम है इसके डाउनफॉल आने का, सबसे पहला कदम यही है, इसमें $600 बिलियन निकाल लिए। $600 बिलियन निकालने के बाद जो है लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। उसके बाद पिछले कुछ दिनों में आप लगा सकते हैं $1000 बिलियन जो इसमें से निकाल लिए। $1000 बिलियन अगर आप इसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो कैलकुलेटर आपके पास कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो जीरो काउंट नहीं कर पाएगा। मैं आपको श्योर कर रहा हूँ पूरा कि कैलकुलेटर कितना भी बड़ा हो आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। अगर मैं ₹80 के हिसाब से भी $1 को काउंट करूं तो भी आप जो है जीरो पूरी नहीं आ पाएंगी, चाहे कितनी भी बड़ी स्क्रीन का कैलकुलेटर ही क्यों ना हो। तो एक बार आप जो है अगर कन्वर्ट करना चाहते तो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये आ गई। दूसरी बात, चाइना ने जो है क्या कर दिया, क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर पाबंदी लगा दी कि कोई भी जो है बैंक को मना कर दिया कि कोई भी किसी भी तरह की क्रिप्टो से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और पेमेंट्स जो है वो स्टॉप कर दी जाए। तो इस तरीके से जो है चाइना ने बैन कर दिया। आप सभी को पता है चाइना जो है पूरे देश का, हमारे इस देश का और ज्यादातर सभी देशों का दुश्मन बन चुका है क्योंकि उन्होंने जो है COVID-19 की वजह से, आप सभी को पता है अभी World War III की भी चर्चा हो रही थी बीच में US से चाइना। तो मैं पॉलिटिक्स पर नहीं जाऊंगा, पूरा मेरी वीडियो होने वाली है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो मैंने आपको बताया कि चाइना ने जो है क्रिप्टो करेंसी बैन कर दिया, तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वहां से पड़ा है। चाइना ने पहले जो फिजिकली हमें डैमेज करने की कोशिश करी, अब जो डिजिटली कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो इन्होंने ये खरीद रखे हैं, क्रिप्टो करेंसी खरीद रखे हैं, बिटकॉइन खरीद रखे हैं, उनके ऊपर जो है जैसे इन्होंने 45 लाख पे खरीदा तो वो 25 लाख पे आ गए सीधा। आप देख सकते हैं 40% का जो डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। 40% बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा, सुनने में 40% कम लगता है लेकिन बहुत ज्यादा होता है। आप जो इसमें इसको गैस भी नहीं कर सकते। बंदा इन्वेस्टमेंट किस लिए करता है, अपने प्रॉफिट बनाने के लिए। अब वो 40-50% अपना लॉस करेगा तो उसको क्या बेनिफिट होगा, कुछ बेनिफिट नहीं होगा, लॉस में जाता रहेगा। अब मैं बताऊंगा आपको कि खाली जो है क्रिप्टो करेंसी ही नहीं नीचे जा रही, इसके साथ साथ इथेरियम और डॉगकॉइन सेकंड नंबर की और थर्ड नंबर की जो क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं आप, वो भी नीचे जा रही है। पूरी क्रिप्टो करेंसी ही नीचे आपको जाती हुई दिख रही है। डर के माहौल के साथ साथ इलोन मस्क ने भी यहाँ पे कह दिया है टेस्ला विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट बिटकॉइन। तो टेस्ला जो है अब डील नहीं करेगा बिटकॉइन में। तो इस वजह से भी जो लोग ज्यादा डर रहे हैं, क्या क्रिप्टो करेंसी क्रैश हो सकती है, क्या जो है बिटकॉइन क्रैश हो जाएगा पूरा का पूरा, क्या जो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहीं पे जो है रिच पीपल क्या कर रहे हैं, गरीब बंदे मतलब मिडिल क्लास, गरीब तो नहीं कह सकते, गरीब बंदे तो बिटकॉइन नहीं खरीदते, मिडिल क्लास बंदे जो है क्या कर रहे हैं, वो बिटकॉइन को बेच रहे हैं, अपने लॉस पे बेचे जा रहे हैं। और यहीं पे रिच पीपल क्या कर रहे हैं, उनको सेल कर बाय कर रहे हैं, सॉरी वहीं पे जो क्या कर रहे हैं ना, बाय कर रहे हैं। आपको क्या करना है इसके लिए, मेरा ओपिनियन आपको जानना जो जरूरी है। आप जो एक बार मेरा ओपिनियन जरूर सुनना क्योंकि आपको जो ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एक इन्वेस्टर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको सेल करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप पिछले कुछ सालों का ग्राफ देखेंगे क्रिप्टो करेंसी का, तो आपको न्यूज आते हुए दिखेगा कि हमेशा ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई। तो अब जो नीचे की तरफ वाली चल रही है, तो बंदे जो है डरे पड़े हैं और बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखते हैं तो आपको एक लगे कि यहीं पर जो एक जगह रुक रही है क्रिप्टो करेंसी, तो आपको जो इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ से आके यूं जा रही है, यहीं पर रुके जा रही है कंटिन्यूसली, जो है यहाँ पे रुक रही है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा अगर यहीं पे कंटिन्यूसली रुकी जा रही है आगे जा रही है, तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना, पूरा नहीं थोड़ा बहुत, बाकी आप अपनी सोच समझ के जो भी करना, मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ। अगर आपका आगे लॉस होता है तो मैं आपको नहीं एक ओपिनियन दे रहा हूँ, आपका जो लॉस मुझे भी जो अच्छा नहीं लगता, तो उस वजह से मैं आपको एक ओपिनियन दे रहा हूँ क्योंकि यहीं पे जो है रिच पीपल का फायदा हो रहा है और पुअर पीपल का यहाँ पे लॉस हो रहा है।
रिच पीपल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP सिप की तरह ही यहाँ पे इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। जैसे म्यूचुअल फंड्स में बंदे इन्वेस्ट करते तो म्यूचुअल फंड को हटा के यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से आपको भी, आप भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के। बंदों के अंदर जो है ज्यादा फियर आ रहा है, तो उस वजह से जो है ये आप कह सकते हैं कि ये ज्यादा क्रैश होने के चांसेस जो है मार्केट में दिखाए जा रहे हैं। और ये बंदों में फियर खुद नहीं आ रहा, ये बंदों में डाला जा रहा है, फियर डाला जा रहा है। कौन डाल रहा है? रिच पीपल्स जो है इनमें फियर डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है आज की वीडियो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बेचने चाहिए, सेल करने चाहिए, और क्या जो है किस वजह से जो है बिटकॉइन है वो क्रैश होने की कगार पे है। क्योंकि आप जो है सारी जगह देख रहे हैं बिटकॉइन, अगर आप इन्वेस्टर हैं और नहीं भी हैं तो भी जो है आपको हर जगह देखने को मिल रहा होगा बिटकॉइन इज क्रैशिंग, बिटकॉइन इज क्रैशिंग। तो इसी तरीके से सारी क्रिप्टो करेंसी अभी डाउनफॉल पे आ रही है, लेकिन कभी ना कभी तो ऊपर उठेगी, इतनी जल्दी जो है पूरी क्रैश नहीं होगी, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो इस चैनल और इस वीडियो से तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।